हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी बन जाने वाली सोयाबीन की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 टमाटर कट कर लिए हैं बड़े बड़े पीसेस में, और 4 ही प्याज कट कर लिए हैं, 10 से 12 कलियाँ लहसुन की ली हैं, और दूसरी साइड मैंने सोया चंक्स को बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, उसमें डाले हैं बड़े बड़े चंक्स में कटे हुए प्याज, टमाटर, लहसुन, और साथ ही 2 हरी मिर्च की स्लिट्स कट कर ली थी उन्हें डाल दिया है, और 5 से 7 काजू डाले हैं। मसालों में मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक, और इसमें साथ ही डाला है 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और 1 से 1.5 छोटा चम्मच हमने डाला है हल्दी का पाउडर। इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भून जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब पानी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पानी डालने के बाद हम इसे ढककर 10 से 12 मिनट पका लेंगे ताकि मसाला अच्छे से कुक हो जाए, टमाटर मैशी हो जाए। इधर हमारे सोया चंक्स भी बॉईल हो चुकी हैं। अब मसाला ठंडा हो गया है, हमने उसे अलग निकाल लिया है। उसी कढ़ाई में हमने लिया है ऑयल और 1 छोटा चम्मच बटर का डाला है। अब हमने 1 शिमला मिर्च, 2 प्याज काटे थे और 2 टमाटर, जिन्हें हमने फ्राई कर लिया है सिर्फ 1 मिनट के लिए ऑयल के साथ, और निकाल लिया है। अब उसी ऑयल में मैंने 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, साथ ही वही ग्राइंड किया हुआ मसाला डाला है। मसाला डालने के बाद ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने उसमें ऐड कर दिया है। अब सब मसाला 4 से 5 मिनट कुक हो जाने के बाद उसमें डाली है शिमला मिर्च फ्राई की हुई और सोयाबीन। इसे ग्रेवी के साथ पकाएंगे 5 से 7 मिनट। मेरे को ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। आप अपनी इच्छा अनुसार ग्रेवी को गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट कुक करने के बाद मैंने उस पर डाला है गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच देसी घी का, जिससे हमारी सब्जी का स्वाद 2 गुना हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।